वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आई होप व्यूअर्स आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसकी रीज़न है कि कुछ मैं बिजी थी, रूटीन बहुत बिजी थी मेरी, इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो आज मैंने सोचा कि टाइम निकाल के मैं अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बना देती हूँ। और ये टॉपिक जो है बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है, काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी लेकिन वो पेंडिंग थी सारी। अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पेंडिंग है, मैं उनके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बनाऊंगी। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर तो आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और इस चैनल के अलावा मेरा एक सेकंड चैनल भी है जहां पर इंग्लिश से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करती हूं। जो बेसिक लर्नर्स हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो मेरे सेकंड चैनल पर भी ज़रूर विजिट करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहां पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलें फिर लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है MOA, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईकॉम के स्टूडेंट के लिए भी, बीकॉम के लिए भी, बीबीए के लिए भी, एमबीए के लिए भी, और जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उन सब के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए इसकी रिक्वेस्ट भी थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देते हैं और इसी पे वीडियो आज बना देते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बता दूं कि बेसिकली ये क्या होता है। बेसिकली ये एक कंपनी के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई कंपनी या बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है तो सबसे पहला जो उसका लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। यानी कि जब कंपनी की फॉर्मेशन हो रही होती है, कंपनी जब बन रही होती है, तो उस टाइम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, उस कंपनी का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके ऑपरेशंस, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द कंपनी उसमें मेंशन होता है। इसके अलावा कंपनी के एक्सटर्नल रिलेशनशिप को और ऑपरेशनल बाउंड्रीज को ये क्लियरली डिफाइन करता है। यानी आप समझ लें कि ये एक असेंशियल डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एक इनिशियल स्टेप्स पर जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट एक कंपनी का लगता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही होता है। आसान लफ्जों में आप ये समझ लें कि कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उस कंपनी के राइट्स एंड पावर्स को मेंशन किया जाता है, और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के तमाम ऑब्जेक्टिव्स को, उसका बनाने का मकसद क्या है, वो कहाँ पे लोकेट करेगी, ईच एंड एवरी थिंग, जो इनिशियल एक स्टेप्स होते हैं उसके, ये हर चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। अब ये तो थी इसकी एक डेफिनेशन, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ क्लॉसेज हैं, 7th इसके क्लॉसेज हैं जो कि इस मेमोरेंडम या इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन होते हैं। अब हम वो 7 क्लॉसेज देख लेते हैं कि वो कौन से ऐसे क्लॉसेज हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर मेंशन होते हैं। सबसे पहले नेम, सेकेंड है रजिस्टर्ड ऑफिस, थर्ड है ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है लाइबिलिटी, नेक्स्ट इज कैपिटल, उसके बाद एसोसिएशन, नेक्स्ट और लास्ट है सब्सक्रिप्शन। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है नेम क्लॉज। इसमें क्या होता है कि कंपनी का ऑफिशियल नेम स्पेसिफाई किया जाता है कि कंपनी का ऑफिशियल नेम क्या होगा, वो किस नाम से रजिस्टर्ड होगी। नाम उसका यूनिक होना चाहिए, ना तो उससे पहले किसी और कंपनी का नाम होना चाहिए वैसा, बिल्कुल डिफरेंट नाम हो जो कि उसकी यूनिकनेस को शो कर रहा हो, और उस कंपनी का नाम ROC से अप्रूव्ड होना चाहिए। ROC का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और जब भी एक कंपनी अपना नाम डिसाइड करती है तो उसने सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो अपने कंपनी के नेम के साथ लिमिटेड का यूज़ करेगी, ठीक है। जब वो रजिस्टर करवाएगी अपने नाम को तो वर्ड लिमिटेड के साथ करवाएगी। इसी तरह से जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो जब नाम रजिस्टर्ड करवाएं तो अपने कंपनी नेम के साथ PVT या प्राइवेट लिमिटेड को यूज़ करें। इसके अलावा नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब इसमें क्या होता है कि ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का बताता है कि कहाँ पे बेसिकली कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि जो भी कंपनी के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या लीगल कंप्लाइंसेज हैं वो यहीं से गवर्न होती हैं जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लॉज या फिर ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ये एक लॉस बताता है कि कंपनी का एम क्या है, उस कंपनी का पर्पस क्या है, वो कंपनी क्यों बनाई जा रही है, उसका मकसद क्या था, उसका प्राइमरी गोल क्या है, उसका सेकेंडरी गोल क्या है, इन सब चीज़ों को ये एक लॉस स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लॉस। इसमें क्या होता है कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, ये बताता है कि कंपनी के पार्टनर्स जो हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। इन केस अगर तो कंपनी को लॉस हो जाता है तो उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या बीच में इंक्लूड होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल क्लॉज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी का एक्चुअल
ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, यानी उसने अपनी पूरी लाइफ में कितना कैपिटल यूटिलाइज करना है, कितने उसके प्रेफर्ड या इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे और उसके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू क्या होगी, ये क्लॉज ये तमाम चीज़ों को स्पेसिफाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएशन क्लॉज। ये क्लॉज क्या स्पेसिफाई करता है कि कंपनी के इनिशियल जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं और कितने मेंबर्स ने कंपनी बनाने के लिए एग्रीमेंट किया है और ये कंपनी बनाने के लिए उनकी क्या इंटेंशन थी। इन शॉर्ट के ये क्लॉज बताता है कि जब कंपनी की फॉर्मेशन हो रही थी तो उस टाइम कितने शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स की कमिटमेंट की थी और वो स्पेसिफिक शेयर्स परचेज किए थे। नेक्स्ट और लास्ट क्लॉज है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि इसमें जितने भी इनिशियल मेंबर्स होते हैं उनकी तमाम डिटेल्स मेंशन होती है, उनके साइन, उनके नेम, उनके सिग्नेचर्स, उनके रेजिडेंस, ईच एंड एवरीथिंग उन सिग्नेटरीज से रिलेटेड उसमें मेंशन होती है। ये 7 क्लॉसेस थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। ये तमाम क्लॉसेस के थ्रू एक कंपनी जो है वो अपने लीगल एग्जिस्टेंस को, अपने ऑपरेशनल स्कोप को, अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करती है और कंपनी के रिलेशनशिप को एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ गवर्न करती है। आई होप व्यूअर्स आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।